हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोगों, स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। और आज हम खेलने जा रहे हैं एनिमल शेल्टर, जो कि आपको भाई पता ही होगा इस गेम के बारे में। बाकी ये स्टीम पे अभी भाई फ्री डेमो में थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक बारी प्ले करके खेल के देखा जाए। बाकी आप सब मेरे को कमेंट करके बता देना, अगर अच्छी लगी होगी गेम तो हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे, बट जब इसका भाई स्टीम पे फुल वर्जन आ जाएगा तब। बाकी इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास भाई एनिमल शेल्टर्स है, जिसमें मेरे डॉग्स काफ़ी सारे एनिमल्स होंगे और उन्हें भाई हमें बचाना है, मतलब एक तरह से रेस्क्यू करना है और बाद में इन्हें दे देना है कि कोई ले जाएगा। बाकी यहाँ पे एक डॉगी है मेरे पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यार लग रहा है इस टाइम, बट ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो इसको ले के जाना पड़ेगा मेरे को कहीं ना कहीं उठा के। और भाई इसके पास खाना भी नहीं है अभी, तो खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। बट इससे पहले भाई इसे हम साफ करते हैं। रुको, पहले मैं इसको लेके चलता हूँ और देख लेता हूँ भाई जाना इस टाइम हमें कहाँ है। तो सामने की तरफ जाना है, वहाँ भाई ये कैरो आ रहा है, तो ये थोड़ा बहुत गाइड करेंगे हमें गेम वाले कि इस गेम को कैसे खेलना है। बाकी वो रहा वो जहाँ हमें भाई वॉशिंग सेंटर ऐसा ऐसे वो, तो वहाँ चलते हैं अपने जो एनिमल है उसे भाई धोएंगे नहलाएंगे और फिर हम देखते हैं भाई कितना ज़्यादा साफ़ होता है। बाकी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो यहाँ पे ना हमारे पास गेम में बहुत से ऑप्शन है, मतलब अपना जो शेल्टर है उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, मोर एनिमल्स लेके आ सकते हैं और भी बहुत कुछ है भाई इस गेम में। बट इसका जब फुल वर्जन आएगा तब हमें काफ़ी कुछ पता लगेगा। बाकी इसको धोने का तरीका ये है, तो पहले स्पॉन्ग मतलब यार इसको भाई इस पे ना सोफ करना पड़ेगा, और दूसरी बार में से जो हमारे पास क्या है गार्डन, अच्छा वाटर मारना पड़ेगा, और तीसरी बार इस पर ड्रायर लगाना पड़ेगा, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाएगा और भाई सूख भी जाएगा ड्रायर से। तो मैं जल्दी जल्दी ना इसको देख लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा गंदा पड़ा है, तो इसे रगड़ना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा भाई डॉगी को। बाकी डॉगी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और मेरे को तो भाई ऐसी गेमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है जिसमें यार रेस्क्यू करना हो और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी यहाँ मैंने ना अच्छी तरह साफ़ कर दिया है इनके, उसमें तो भाई अच्छी तरह दिखा रहा है कि मैंने साफ़ कर दिया। बाकी मैंने उस साइड से तो अभी डॉगी को साफ़ ही नहीं करा भाई, तो इसको वहाँ से भी जाके साफ़ करना पड़ेगा हमें। बाकी ये पूंछ मेरे को इतनी ज़्यादा क्यों गंदी लग रही है, तो कोई नहीं यहाँ हम दोबारा से इसे साफ़ कर लेते हैं। इस साइड से भी काफ़ी ज़्यादा गंदा पड़ा है और उनकी तरफ से तो भाई हो गया, गेम वाले कह रहे हैं कि हमारी तरफ से भाई कन्फर्म है कि तुम्हारा डॉगी साफ़ हो चुका है। बट अभी मुझे पता भाई हमारा डॉगी अच्छी तरह साफ़ नहीं हुआ, तो इसके मुँह पर भी मार देता हूँ भाई, कितना क्यूट सा है डॉगी। तो देखो इसको मैंने अच्छी तरह भाई मतलब यार अपने सॉफ से इसे धो तो दिया अच्छी तरह। बाकी इसे भाई इसके सिर पे कहाँ रख रहा हूँ, तो यहाँ मैं रगड़ रहा था यार सही बोलूँ, बट वो नहीं रहा था, पता नहीं क्या सीन था। बट हाँ इसे मैंने साफ़ कर दिया, अब जल्दी से ना इसके ऊपर भाई पानी गिरना है हमें। तो गाइस मैंने इसे सॉफ से अच्छी तरह रगड़ दिया, बाकी इसके ऊपर भाई पानी वानी जल्दी से मार देते हैं हम, उससे पानी से जल्दी से नहलाता हूँ। दो मिनट रुको गाइस, यहाँ पे भाई मैंने इसे पानी भी अच्छी तरह मार दिया है, थोड़ा बहुत साइड से रह गया नहलाना, तो हाँ अब हो चुका है भाई, नहीं थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, तो कोई नहीं, हाँ अब हो चुका है भाई पूरी तरह से कंफर्म। बाकी हम अच्छी तरह अपने डॉगी को नहलाएंगे, आप सबको पता भाई हम तो अपना काम पूरा ही करते हैं, बाकी इनकी तरफ से चाहे काम पूरा हो या ना हो। और मैंने अपने डॉगी को अच्छी तरह साफ कर दिया है, बस इस पर ड्रायर मारना है, तो इसे यहाँ फेंकता हूँ जल्दी से मैं, और यहाँ से हम ये ड्रायर उठा लेते हैं जिससे कि ये जल्दी सूख जाएगा, मतलब यार से कहीं ऐसा गीला नहीं रहेगा। और बाकी इसके चोट वोट तो शायद ही लगी होगी, और चोट लगी होगी तो बाद में देखेंगे हम। तो इसके ऊपर मैं ना जल्दी से भाई ड्रायर मारना शुरू कर देता हूँ, तो यहाँ देखो मैंने इसके फेस पे ड्रायर मारा, बाकी देखो कितनी जल्दी ये सूखने लग गया है, आप सबको दिख ही रहा होगा वैसे। तो यहाँ मेरा ड्रायर पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है, बाकी उस साइड में जाके जल्दी ड्रायर मारता हूँ। थोड़ा भाई इसकी पूंछ हैवी इतनी है, मैं उस साइड नहीं जा पा रहा था, बाकी यहाँ भी मार दो यार जल्दी जल्दी से सुखा के लेके चलते हैं अपने शेल्टर में, और फिर देखते हैं भाई हमें करना क्या है यहाँ पे, मतलब यार इसके साथ खेलना भी होगा और से अभी देखो फोटो वोटो खींच के इसको हमें बेचना है, मतलब बेचना बोल रहा हूँ भेजना है इनके ऑनर्स के साथ, मतलब जो भी इसका ऑनर बनेगा आने वाले टाइम में तो उसे दे देना है। बाकी हमारे पास और एनिमल्स आएंगे तो उनके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे कि हमें उसे बस यार हमारे पास पेट है, मतलब यार पेट शेल्टर है जिसके कि हमें भाई अपने जो एनिमल्स हैं उन्हें रखना है, बाकी उन्हें बाद में दे देना है किसी को जो भाई इसकी अच्छी तरह देखभाल करेगा। तो गाइस यहाँ मैं अपना एनिमल तो ले आया हूँ, डॉगी को अपने ले आया हूँ, बाकी इसका नाम रखते हैं अभी न्यूक, जो कि न्यूक, हाँ न्यूक ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने यहाँ अपने न्यूक डॉग को रख तो दिया है, बाकी यहाँ इसके लिए खाना वाना मंगाना पड़ेगा, खाने के लिए ना शायद से मेरे को अपने कंप्यूटर से भाई खाना ऑर्डर करना है, तो मैं चलता हूँ अपने ऑफिस में, और ऑफिस में मेरे साथ नहीं, ऑफिस नहीं भाई क्लिनिक में पड़ा है वो लैपटॉप, मतलब हमारा कंप्यूटर है वो हमारा वहाँ पर पड़ा है, तो जल्दी से चलता हूँ।
तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर देखना पड़ेगा भाई किस साइड है, तो यहाँ हम सर्जरी कर सकते हैं। अच्छा ये तो सर्जरी है, ये रहा मेरा कंप्यूटर। तो भाई कैसा ही कंप्यूटर है, हम बैठ भी नहीं सकते यहाँ पे। तो यहाँ हो चुका है स्टार्ट हमारा कंप्यूटर। बाकी ये डॉग है, अच्छा डॉग ऐसे खड़ा हुआ भाई, क्या ही खतरनाक है। तो ये रहा फूड, तो हम फूड को ऐड कर लेते हैं अभी। हाँ ऐड का ये रहा, $100 का फूड है। और यहाँ पे भाई 115 का वाटर है। बाकी इसमें और क्या चीज़ें मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। चलो छोड़ो, हमने देखो हमारा ये ऑर्डर है जो कंफर्म करते हैं हम जल्दी से। बाकी एक्सेप्ट करो भाई, जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर दिया। बाकी अब चलना है हमें बाहर की तरफ और देखना है कि हमारा जो डॉग का भाई खाना है वो आया या नहीं। तो एक तरह से ड्रोन से आएगा ये खाना, जो कि भाई वो अपने आप ड्रोन से उड़ा के यहाँ पे भेज देंगे। तो चल के मैं देख लेता हूँ। बाकी ड्रोन तो मेरे को इस टाइम कहीं नहीं दिख रहा। तो ऊपर की साइड आता है ड्रोन, बट भाई अभी ड्रोन तो दिख ही नहीं। अरे भाई ड्रोन दिखा नहीं, और पता नहीं कहाँ से फेंक के भी इतनी जल्दी सामान हमारा डिलीवर करके भी चला गया। बाकी यहाँ से सामान उठाता हूँ और लेके चलते हैं पहले से अंदर, और हम अंदर ही ना इसको भाई खोलेंगे और उसका खाना वाना देंगे अंदर की साइड। बाकी क्या ही भाई डॉगी हमारा। तो यहाँ है इसका फूड, तो इसका फूड हम इसके बकेट, अरे ये नहीं है ये वाला फूड वाला है, तो इसके बाउल में डाल देते हैं हम जल्दी से इसे। और हाँ वाटर भी डालना है। ये भाई वाटर का सेप देख रहे हो, नहीं जो इसके उसमें बाउल में पड़ा है ना वाटर, उसे देखो जैसे कि एक बूंद होती है ना जिंदगी की दियो, वही दिया हुआ भाई इन्होंने। तो इसे ओपन करते हैं। यार मैं बॉक्स उठा क्यों ले रहा हूँ, तो इसे उठाओ। तो जल्दी हम वाटर लेते हैं, बाकी इसके भाई इसमें डाल देते हैं। हाँ पता लग गया हमें डालना कैसे है। बाकी यार खाना तो मैंने डाल दिया है, तो कन्फर्म भाई पानी भी मैंने डाल दिया। बाकी देखो पानी तो अच्छी तरह ना वही भाई बूंद वाला पानी आया है, तो डाल तो मैंने अच्छी तरह दिया है। बाकी इनका जो खाना है ना यहीं पे छोड़ देता हूँ इस टाइम, क्योंकि यार देखो खाना मैं यहाँ पे रख दूंगा ना, जब इसे भूख लगेगी तो मैं यहाँ से इसका खाना दे सकता हूँ। बाकी अब क्या करना है मुझे थोड़ा देख लूँ भाई। अब मेरे को शायद से ना बॉक्सेस वाला काम भी कम्प्लीट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से अब मेरे को इसको शायद से खिलाना है क्या। नहीं खेलना होता यार, नहीं यार इसका ना भी अच्छा बाउल ना खाली आ रहा है, तभी ये ना मेरे को गाइड नहीं कर रहा है इस टाइम। तो कोई चक्कर नहीं है, हम पहले ना इसका बाउल दोबारा से भर देते हैं। देखो यहाँ ना ये बाउल ना खाली सा आ रहा है, शायद से इसने खाना खाया हो तो इस करके ये बता रहा है कि भाई ये खाली पड़ा है। तुम्हारा जो खाने वाला था वो पूरी तरह से इन्होंने भाई कन्फर्म कर दिया। बाकी अब डॉगी को हमें भाई खिलाना है, जिसका नाम न्यूक है। बाकी बॉल को कैसे फेंकेंगे तो मेरे, अच्छा ये रहा भाई ऐसे फेंकेंगे बॉल। तो मैंने बॉल तो फेंक दिया, बाकी वो ले पता यार ले आने गया है, तो बॉल ले आया है वो। तो हम थोड़ा बहुत भाई अपने डॉगी को खिलाते हैं, काफ़ी मज़े से है खेलने में लगा हुआ इस टाइम। तो इसकी हेल्थ मतलब यार जो इसकी हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगी इससे, अगर इसके मतलब कुछ भी होगा भूखा होगा खेलता वेलता नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो बाकी हम इस बॉल को जल्दी से फिर फेंकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई इसके साथ। मैं सोच रहा हूँ ना ऐसे खेलता, मतलब यार एक काम करने में मज़े की बात नहीं है, बट भाई ये जो एक काम कर रहा है हमारे लिए कि हम बॉल फेंक रहे हैं और बार बार लेके आ रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बाकी हाँ रियल में भी भाई ऐसा ही होता है, आप अपने डॉगी के पास ना बॉल फेंकोगे वो आपका डॉगी लेके आएगा। बट इसे क्या हुआ, हाँ भाई ये वापस मुड़ चुका था, तो मैंने इसके लिए बॉल दोबारा से फेंक दिया, तो ये दोबारा से लेके गया हुआ है। बाकी देखो बॉल वाला काम क्यों नहीं कन्फर्म हो रहा है यार मेरा, तो यहाँ मेरे को देखना पड़ेगा भाई। बॉल मैंने इतनी बार फेंक दिया बट यहाँ ये भाई ये काम कम्प्लीट नहीं कर रहे हैं हमारा, तो देखते हैं। बाकी हम बार बार, कोई नहीं कोई चक्कर नहीं है, हम दोबारा बार बार फेंक लेंगे। तो हाँ ये काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई, बॉल वाला जो काम था। इसका नाम ओजर है यार, ओजर की एजर पता नहीं ऐसा कुछ नाम है, एजर है शायद से। तो कोई नहीं, मैंने न्यू को अपनी तरफ से रख लिया था। बाकी यहाँ पे क्या, इसकी हेल्थ, अच्छा हेल्थ गुड है भाई, इसकी सब कुछ गुड पड़ा है अभी, तो 100% हो चुका है सब कुछ। तो इसे चल के अब मेरे हिसाब से मेरे को ना कंप्यूटर से अपना कैमरा बाय करना पड़ेगा। कैमरा बाय करने के बाद इसकी फ़ोटो खींचनी है, और भाई अपने ना मतलब यार एक तरह से इंटरनेट में डालनी पड़ेगी, जिससे कि डॉग को अडॉप्ट करने के लिए भाई उनके ऑनर आ जाएं कोई ना कोई। तो जल्दी से चलता हूँ। अच्छा मेरे को क्लिनिक ही जाना पड़ेगा भाई, अपने कंप्यूटर से बात करनी पड़ेगी, और नहीं कंप्यूटर चला के भाई उस कैमरे को बुक करना पड़ेगा। बाकी जल्दी से आ चुका हूँ मैं अपने क्लिनिक में। तो यहाँ ये आ चुका है, तो मेरे को देखना पड़ेगा भाई किस साइड है, मेरे को ये नहीं पता भाई कैमरा कहाँ से बाय कर सकते हैं हम। तो मेरे हिसाब से ये क्या है भाई, डॉग की हद, अच्छा कैट भी है इसमें, तो कैट कूट का भी सीन है कोई। तो यहाँ पे मेरा भाई कहाँ पे मिलेगा यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ट्यूटोरियल से दिए जा रहे हैं तो मुझे चेक करना पड़ेगा यार, कहीं ना कहीं तो भाई मिलेगा ही। तो शायद यार ये बाजार में ही होगा, तो यहाँ ना इसी बॉक्स में होगा, मेरे को ना कहीं चेक टॉय में देखूँ, नहीं भाई टॉय में भी नहीं है, तो कहाँ हो सकता है यार, मेडिसिन में नहीं, अदर्स में चेक करना पड़ेगा। अरे ये रहा कैमरा, तो मैं वही सोच रहा हूँ भाई $800 का था, बट हमारे पास अभी पैसे बचे हुए हैं,
जो कि मेरे हिसाब से $9,700 है। बाकी ये गेम ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा भाई इसे खेलने में। बाकी आप सब भाई कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप सबको मज़ा आ रहा होगा इस गेम को देखने में। तो चलो चलते हैं, अब इसकी डॉगी की एक फ़ोटो खींच लेते हैं अच्छी तरह। बाकी ये ड्रोन लेके आ तो चुका है कैमरा हमारा, तो अब दिखा भाई ये ड्रोन जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा है। तो यहाँ से मैंने एक कैमरा उठा लिया है, तो जल्दी से चलो इसको देखते हैं और इसकी फ़ोटो लेंगे अब। तो यार इतनी देर से मैं इसे रोकने में लगा हूँ, बाकी ये फ़ोटो खिंचाने का नाम नहीं ले रहा, लग रहा है इसे भाई पेट सेल्टा हमारा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका है, बट इसकी फ़ोटो तो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भाई कैमरा ना बंद हो, बड़ी मुश्किल से ही रुका है, तो मैं जल्दी से एक फ़ोटो इसकी क्लिक कर लेता हूँ। बाकी मैंने इसकी फ़ोटो तो एक ले लिया, तो कैमरे का क्या करें भाई, कैमरे को यहीं फेंकना पड़ेगा मुझे लग रहा है अभी। तो बाकी हम कैमरे को भाई अपने साथ रख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। मेरे को नहीं पता था यार कैमरे को कैसे साथ रखना अपने, बट पॉकेट वॉकेट में रखने वाला कुछ सीन नहीं पता। बाकी ये रही अपने डॉगी की फ़ोटो जो कि काफ़ी ज़्यादा साफ आई है, तो मेरे को जाके देखना पड़ेगा भाई कहाँ। अच्छा अपने ऑफिस में जाना है हमें, तो ऑफिस सेल्टर में भी हम अपने चल लेते हैं। बाकी यहाँ के ऑफिस भाई काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहते हैं, तो यहाँ नहीं है हमारा कंप्यूटर, शायद से हमारा कंप्यूटर नहीं, इसे स्कैन करना है। अच्छा इसको चल के हमें स्कैन करना है, जिससे कि भाई इसकी फ़ोटो हमारे कंप्यूटर में आ जाएगी। तो हम भाई अपने कंप्यूटर से इसकी फ़ोटो जल्दी स्कैन करके भाई अडॉप्ट के लिए डाल सकते हैं। तो मैंने इसको स्कैन में तो लगा दिया है, बाकी चेक करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में चल के। अब जल्दी से मैं अपना कंप्यूटर ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ता है कि कैसे इसको, पहले मैं देख लेता हूँ भाई इसमें से ना थोड़ा ट्यूटोरियल पढ़ लेंगे ना, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जाना है, तो यहाँ इसकी नहीं, यहाँ नहीं है भाई, हाँ यहीं पर रुको, गो फाइंड अ न्यू हाउस, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। बाकी इसकी फ़ोटो जल्दी से मैं अपलोड कर देता हूँ, तो सेलेक्ट कर लिया, इसका नाम ऑजर है, आजर पता नहीं यार मेरे को नाम सही बोलूँ ना, इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है भाई, बी को रुक गया। तो मैंने मेल पे मतलब यार कहीं ना इसे अच्छी तरह डाल दिया है, योर पेट्स कहीं ना कहीं भाई अच्छी तरह डाल दिया, मेरे को नहीं पता अब कौन सी वो वेबसाइट है। बाकी एक मेल आ चुकी है मुझे, तो मेरे को ना देखनी पड़ेगी वो मेल, और मेरे को लग रहा भाई अपने डॉगी का अडॉप्ट के लिए मेल आई है, तो इन्हें भाई मैं आंसर दे देता हूँ, जल्दी से हमारे यहाँ पर आ जाओ सेल्टर में और हमारे डॉगी को ले जा सकते हो आप सब। बाकी मेरे को पता भाई आप सब ने इतना देखा कि नहाया धोया अगला, खाना पीना खाया और खेला भी हमारे साथ, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करा, बट इसे अभी भाई जाना पड़ेगा अपने ऑनर के साथ। और भी जो डॉग्स हैं वो भाई आएंगे इधर पे, डॉग्स कैट्स काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स जो कि हमें टेमो के बाद देखने को मिलेंगे। बाकी हाँ जब नवी गेम आएगी ना तब ज़्यादा मज़ा आएगा, तो कोई चक्कर नहीं आया, अभी तो भाई कोई भी नहीं आया, हमें वेट करना है थोड़ा बहुत, तो जब आ जाएंगे तब हमें अब डॉगी को अपने लेके जाना है जल्दी। तो आ गई भाई उनकी गाड़ी आ चुकी है इधर पे, तो अब मेरे को ना अपने पेट सेल्टर से डॉगी को लेके आना पड़ेगा। बाकी वो रहा एक डॉगी, तो उसको जल्दी से मैं उठा ले, एक डॉगी बोल रहा हूँ भाई, एक ही, हाँ एक ही डॉगी है वैसे हमारे पास, तो इसको लेके चलो जल्दी से। बाकी इसको भाई आज छोड़ना पड़ेगा वहाँ पर, तो कोई चक्कर नहीं है भाई, जाना तो था ही इसे, तो जल्दी से चलते हैं हम लेके अपने डॉगी को इनकी गाड़ी में बैठाते हैं। बाकी यहाँ मैं इसको छोड़ूं कैसे भाई, यार ना इसका ओनर उतर रहा है ना शक्ल दिखा रहा भाई। बाकी इसको भाई अच्छी तरह देख लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। तो यहाँ मैं इसको गाड़ी में कैसे बैठाऊं मेरे को, अच्छा रुको अब मैं गाड़ी पे क्लिक करूँगा ना, ये अपने आप ही छा के बैठ जाएगा भाई इसको, मतलब यार क्या ही डॉगी है भाई। ऑजर था, न्यूक नाम रखा था हमने, बट ये हमें भाई छोड़ के अब जा चुका है, तो कोई चक्कर नहीं है, चला जा चुका भाई अपने घर पे, जो भी इसका ओनर है अपने घर पे लेके जाएगा। तो गाइस आप सबको ये गेम कैसी लगी मेरे को कमेंट में जाके जल्दी से जल्दी बता दो, अगर एपिसोड ये वाला अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी लाइक मार दो, और हाँ गाइस कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, नवी नवी वीडियोज अब आने वाली हैं और भी ज़्यादा, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।